आपने इस्लाम कबूल किया? नहीं। आपने बुर्खा क्यों पहना? आपने अपनी आइडेंटिटी छिपाई, हम लोगों को गुमराह किया। जो जाहिर बात में नारे लगते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, वो कहते हैं वी आर विद शाहीनबाग, यू आर विद शाहीनबाग। एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बोलती बंद है, और आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ से डर गए हैं विरोधी? सीएए कानून के खिलाफ शाहीनबाग में धरना आज भी जारी है। कभी शाहीनबाग में चल रहे प्रदर्शन की तुलना आतंकवाद से की जाती है, तो कभी कोई और गलत आरोप लगाए जाते हैं। शाहीनबाग में बीते दिनों कई बार हुई फायरिंग की घटना के बाद बुधवार को एक बार फिर संदिग्ध महिला के बुर्का में कैमरा छिपाकर धरना स्थल पर पहुंचने से हड़कंप मच गया। ये महिला धरना स्थल का वीडियो बनाना चाहती थी, हालांकि गैर मुस्लिम होते हुए भी इसने शाहीनबाग में आने के लिए बुर्के का सहारा लिया, जिससे सारा मामला बिगड़ गया। जब जांच कर रही महिलाओं ने उससे नाम पूछा तो उसने अलग नाम बताया। जब उसे आईडी दिखाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। फिर जब महिलाओं ने दबाव डाला तो उसने आईडी निकाली जिसमें उसका नाम गुंजा कपूर था। ठीक है, आपने इस्लाम कबूल किया? आपने इस्लाम कबूल किया? नहीं। आपने बुर्का क्यों पहना? आपने अपनी आइडेंटिटी छिपाई, हम लोगों को गुमराह किया। नहीं, हम आपको बता रहे हैं हमने क्यों आइडेंटिटी छिपाई। चुप रहो। आइडेंटिटी छिपाई जिससे कि लोगों को हमारे ऊपर विश्वास हो जाए और आप लोग हमसे खुल के बात कर सके। क्यों की? एक सेकंड मैम, मैं सब खुल के मैं उपासना शर्मा हूँ, आप मुझसे सब खुल के बात कर रही हैं। उपासना जी, आपको हो सकता है हमको इतना ज्ञान नहीं है यहाँ का। नहीं, आप इतनी बड़ी हैं, मुझे आप अच्छी खासी बालिक लग रही हैं। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि आप आइडेंटिटी शक किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके की खबरें बाहर फैल रही है उससे हम आप लोग लगा लीजिए थोड़ी और ह्यूमन। अरे नहीं, कोई नहीं, कोई ना जाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, जितना भी आपकी कोई कुछ नहीं करेगा, हम आपके साथ हैं। लेकिन परसों जामिया गए थे जी, बिल्कुल ठीक है, डिबेट में गए थे और वहाँ पर हमारे ऊपर सब लोग घिर गए क्योंकि हमारा कुछ अलग व्यू पॉइंट था। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है। उसके बाद हमने कसम खाई, हमने कहा हम इस विरोध प्रदर्शनों में नहीं जाएंगे, हमको कुछ पता नहीं है, हमारे चैनल ने आज तक कवर नहीं किया किसी विरोध प्रदर्शन को, आप चेक कर सकती हैं। उसके बाद कल जब कपिल गुर्जर का और आम आदमी पार्टी का एसोसिएशन आया, उसके बाद हमने कहा कि ये अगर केजरीवाल की गंदी राजनीति है तो हम यहाँ पे आकर देखेंगे क्या है। नहीं, राइट नरेटिव, गुंजा नाम है। अरे चैनल नाम क्या है? राइट नरेटिव। एक बात सुनिए, आपने जब अभी तक कोई कवर नहीं किया तो अभी इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है? नहीं, इंसिडेंट इसलिए है क्योंकि आप उस कपिल गुर्जर की खातिर बहुत लोग बदनाम हुए। अरे मैडम, शुरू दिन से बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। नहीं, ये आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। गुंजा एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी साल उसे ट्विटर पर फॉलो करना शुरू किया है, जिसे उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके उसको सबसे ऊपर पिन किया है। इसके साथ ही गुंजा ने अपने ट्विटर वॉल पर अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगा रखी है और उसकी कई भाजपा नेताओं के साथ भी फोटो है। गुंजा लगातार अपने ट्विटर अकाउंट में शाहीनबाग में हो रहे प्रदर्शन को लेकर केजरीवाल सरकार को दोषी ठहराती रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दो लोग आपस में शाहीनबाग के बारे में बात कर रहे थे कि महिलाएं 500 से लेकर 2000 रुपए लेकर धरने पर बैठी हैं। जाके तो देखता हूँ क्या बीमारी क्या है। एक एक लाख की दुकान बंद। अरे सारी दुकान, वो मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया, कह रहे तुमने दुकान चलाई नहीं। एक एक लाख रुपए जो रोड में सारी दुकान है सबका किराया सबका माफ है, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का माफ कर दे। उन्होंने कह रहे जब ये नहीं करा तो पैसे कहाँ से दोगे? माफ कर दे मकान मालिक ने किराया। लेडीज जो बैठी है 500 रुपए ले रही है, लेडीज जो बैठी है वहाँ पे खाली कुंज में पैसे बट रहे हैं उनके पैसे। 500 रुपए ले रही है लेडीज, 500-700 जैसे बच्चों और शिफ्ट चेंज होती है इनकी, 12 से इतना इनका टाइम रहेगा। मतलब बंदे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कम नहीं होने चाहिए। जो जैसे 1000 बंदे की गिनती, अगर 1000 के पैसे आए तो वहाँ पे 1000 बंदे रहे। जैसे मैं मतलब जैसे कालिंदी कुंज में 100 लेडीज बैठी है, अगर 100 बाद में आएंगी तो 700 रुपए मिलेंगे। नहीं पैसे सेम मिलेंगे, जैसे 100 है ना तो 100 से 99 नहीं होनी चाहिए। 100 घर जा रही हो तो उससे जैसे एक गई तो दूसरी उनके जगह पे आके बैठेंगे। लेकिन बंदे मतलब ऐसे लगना चाहिए कि पूरा लागू हुआ ही, मतलब
मतलब ये कंटिन्यू चले जा रहा है, जब कुछ शिफ्ट चेंज हो रहा है बंदे हमेशा अलग अलग, तुम मिले कभी जाके देखना। बिरयानी खा रहे हैं वहीं पे, बस खाना चल रहा है, चाय बिरयानी सब यहीं से जा रहा है, पैसा जा रहा है उनको। घर पे जाओ खाना वाना बना करके आ जाओ, जो घर पे ना सो यहाँ बैठो 500 रुपए ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। ये कालिंदी कुंज की बात है, बटला उसके जितने बाहर के जो रोड है ना, लेफ्ट वाला राइट वाला मार रखा, पूरा का पूरा वो बंद कर रखा, जो मतलब दिखाने के लिए कर रखा है, अपना रात दिन बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, एक एक साल के बच्चे को लेके बैठे हैं, पैसे मिले 500 रुपए ने। कांग्रेस का खेल है सर, कांग्रेस का खेल है, कांग्रेस के झंडे लगे हुए। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था और मेनस्ट्रीम मीडिया में भी चला गया था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस वीडियो का समर्थन किया था, लेकिन हाल ही में न्यूज लॉन्ड्री और एएलटी न्यूज ने इस जगह पर पहुंचकर इस वीडियो का सच पता लगाया। उनकी जांच में पता चला कि ये वीडियो झूठा था। नागरिकता कानून के विरोध में बना ये वीडियो वास्तव में दक्षिण दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में शाहीन बाग से 8 किलोमीटर दूर बनाया गया था। वीडियो दुकान नंबर 134 में बनाया गया था, जिसे कुटमी टेलीकॉम कहा जाता है। पहले तो कुमार और उसके पिता ने इस बात से इनकार किया कि वीडियो उनकी दुकान में शूट किया गया था, पर बाद में वो मान गए। दुकान 38 वर्षीय अश्विन कुमार चलाते हैं उनके पिताजी के साथ। बातचीत में जब आयुष ने उनसे ये पूछा कि वे किसी पार्टी से अफिलिएटेड हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ कार्यकर्ता हैं। लेकिन बीजेपी का रखा हुआ सामान जो दुकान में दिख रहा था, उसको देखकर आयुष ने उनसे ये पूछा कि क्या वे बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि वे बीजेपी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जब वीडियो के बारे में आयुष ने उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो कहीं भी शूट किया हुआ जा सकता है। लेकिन जब आयुष ने उन्हें स्पेसिफिकली ये पूछा कि क्या ये आपकी दुकान में वीडियो शूट हुआ है, तब वे मान गए कि हाँ, वीडियो मेरी दुकान में ही शूट हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसने शूट किया है। उसके बाद आयुष ने जब ऑडियो क्लिप जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी और वीडियो दोनों को मैच करके जब सुना, तो उन दोनों की आवाज़ें जो वीडियो में जो दो लोग बात कर रहे हैं, अश्विन कुमार के पिताजी और अश्विन, दोनों की आवाज़ें उस वीडियो में सुनाई दे रही थी जो वायरल हुआ है। तो इससे हमें पता चला कि ये वीडियो उनकी दुकान से ही शूट हुआ है और अश्विन कुमार ने ही शूट किया हो सकता है। भाजपा नेता अक्सर झूठ बोलते या आक्रामक रुख अपनाए दिखाई देते हैं। शाहीन बाग के मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने हमलावर रुख अपनाया हुआ है। अमित शाह कई बार शाहीन बाग पर आक्रामक टिप्पणी करते नजर आ चुके हैं। मैं आपको याद कराने आया हूं मित्रों, इस बार के चुनाव आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर लड़ने वाले। आपका एक वोट दिल्ली और देश को सुरक्षित भी करेगा और सुरक्षित करने के काम आने वाला है। ये चुनाव जो है 8 तारीख को होने वाला है, वो चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव, एक और ये राहुल बाबा एंड केजरीवाल एंड कंपनी खड़ी है, जो जाहिर बात में नारे लगते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, वो कहते हैं वी आर विद जाहिर बात। मैं आपको पूछना हूं सदर बाजार वालों, यू आर विद जाहिर बात? जोर से बोलो यू आर विद जाहिर बात। ऊपर सभी लोग बोले यू आर विद जाहिर बात। मित्रों ये निर्लज्ज होकर कहते हैं वी आर विद जाहिर बात। केवल अमित शाह ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी शाहीन बाग पर आक्रामक टिप्पणी करते नजर आए। साथियों, सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
राजनीति का खेल खेल रहे हैं। न्यूज चैनल भी शाहीन बाग को हिंदी मुस्लिम मामला बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है। मीडिया को इस मामले में सत्ता से सवाल करने चाहिए थे और शाहीन बाग में बैठे लोगों की समस्या का हल करने का प्रयास करना चाहिए था, पर नहीं, वो ऐसा करते बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। और दिल्ली के चुनावी दंगल में बजरंग बली की एंट्री हो गई है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी तो आज बीजेपी आक्रामक हुई और बताने लगी कि केजरीवाल की हनुमान भक्ति दिखावा है। लेकिन निशाने पर सिर्फ केजरीवाल नहीं आए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अभी तो केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, आगे आगे देखिए वैसे भी पढ़ेंगे। महाभारत में आज हम बात करेंगे कि शाहीन बाग 51 दिन से ज्यादा से बंधक है। शाहीन बाग में 4 दिन में 3 बार गोलियां चल चुकी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को इसमें हिंदू, असली हिंदू बनाम मुस्लिम हिंदू, नकली हिंदू नजर आने लगे। दूसरी तरफ गोली बनाम बोली की लड़ाई शाहीन बाग पर आ गई है। और CAA यानी नागरिकता कानून संशोधन के हंगामे में हर दिन कोई नया मामला सामने आता है और अब इस पर जोर शोर से हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने आज कांग्रेस को मुस्लिम नेशनल कांग्रेस कह दिया और हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। महाभारत में आज हम बात करेंगे, पिछले 50 दिन से ज्यादा से शाहीन बाग बंधक है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली चुनाव की दहलीज पर शाहीन बाग को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बोलती बंद है और आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ से डर गए हैं विरोधी? भाजपा नेता अक्सर चुनाव के दौरान कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसे बाद में वे जुमला कहकर टाल जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार लोगों की समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास करेगी और असल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी ताकि देश को तरक्की के राह पर ले जाया जा सके। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।